रायपुर के बीरगांव मंडल अध्यक्ष जुगल वर्मा ने पीएससी घोटाला परिवर्तन यात्रा राजनीति गतिविधि के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताया। मेरा नाम जुगल वर्मा, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बीरगांव मंडल का अध्यक्ष हूँ। हमारा जिम्मेदारी ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है कार्यक्रम, उसको हम धरातल में नीचे उतर कर वह काम करते हैं। जैसे पुतला दहन हो गया, किसी प्रकार का कुछ भी समस्या है उसका निवारण करने के लिए युवा मोर्चा को हमेशा आगे रहना पड़ता है। मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरे को जो आदेश हमारे मेन मंडल अध्यक्ष जी है उनके द्वारा एवं हमारे को जिले से आदेश आता है कि हमको ये कार्यक्रम करना है, या कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर का जो आते हैं आदेश, उसको नीचे तक लेके जाना है, बूथ स्तर तक जाना है, वह कार्यक्रम युवा मोर्चा करता है। हजारों की संख्या में हमारे माननीय अरुण साहू जी यहाँ पर आए, उसका भव्य स्वागत युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। लगभग 1000 बाइक का टारगेट लगा के हम लोग चले थे और 1000 बाइक से ज़्यादा वहाँ उपस्थिति देखने को मिला, और माँ बंजारी के दर्शन करके हम लोग बीरगांव निगम के आखिरी छोर तक हर एक 100 मीटर के अंदर में स्टेज लगा कर हमारे नेतागण एवं आम जनता ने भव्य स्वागत किया। जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ी है, उससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर वापसी करने जा रही है। हमारे लिए तो अभी देखो, जब तक हमारे लिस्ट फाइनल नहीं आता, ये लिस्ट कौन लाया है, कहां से लाया है, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी प्रत्याशियों का घोषणा नहीं किया गया है, और जो भी प्रत्याशी हमें भारतीय जनता पार्टी देती है, हम उसको जिताने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रायपुर ग्रामीण जीत के हम लोग आएंगे। विकास कार्य नंद कुमार साहू जी हमारे पूर्व विधायक है, उनका विकास कार्य देखोगे तो आपको धरातल में दिखेगा। और वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा जी का अगर विकास देखना है तो सिर्फ कागज़ में मिलेगा उसका, और फेसबुक में मिलेगा, सोशल मीडिया में मिलेगा, उसके अलावा नीचे धरातल में कुछ नहीं है। और वह सिर्फ भूमि पूजन का काम करते हैं। आज विधायक जी कहाँ हैं उनका कोई पता नहीं है। आज उनको पीछे कर उनके बेटा चुनाव लड़ने के चक्कर में हमारे क्षेत्र के विधायक जी को ही लापता कर दिए हैं। आज देखोगे उनके पुत्र द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पद में ना होते हुए, ना विधायक है यहाँ का, ना महापौर है, ना पार्षद है, उनके बावजूद जगह जगह भूमि पूजन किया जा रहा है। इतने दिन से क्या कर रहे थे, भूमि पूजन करना था तो जब समय था तब करना था, अब आचार संहिता लगने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वह एक सिर्फ लोगों का छल और दिखावा का काम कर रहे हैं। और विधायक जी बिल्कुल लापता है हमारे क्षेत्र से। पंकज शर्मा जी ने उनको कहाँ छुपा के रखा है बिल्कुल पता नहीं, और हर जगह जहाँ विधायक जी को खड़ा होना चाहिए वहाँ उनके पुत्र खड़ा होकर उनको पीछे करके अपना नाम बता रहे हैं। आज मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, न कोई जाति धर्म, न कोई महिला न पुरुष, मोदी जी चाहते हैं कि सबको एक समान अधिकार मिले। और इनका निश्चित ही आगे आप देखोगे कि सांसद हो चाहे विधायक हो, बिल्कुल इनका लाभ आपको देखने को मिलेगा। आज हर जगह नारी शक्ति का, आज आप जहाँ भी देखोगे, पहले घर की महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज हर घर से महिला, पुरुष से ज़्यादा महिला बाहर निकल रही है, काम कर रही है, घर चला रही है, और हर क्षेत्र में महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग जिस विधायक अभी पास हुआ उनसे रिलेटेड अभी महिलाओं को टिकट मिल रहा है। आप देखोगे अभी 21 टिकट का वितरण हुआ, उसमें भी महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट मिला है। क्योंकि आप देखोगे राहुल गांधी जी की सभा में ना भीड़ दिखती है, ना कुछ दिखती है, खड़गे जी आते हैं भीड़ नहीं दिखते हैं। सत्ता यहाँ छत्तीसगढ़ में सत्ता होने के बावजूद उनके पीछे की पूरा कुर्सियाँ खाली रहती है, आगे के 200 से 400 कुर्सी बस भरे रहते हैं, और वहाँ आज बंद होने के बावजूद आज जो जन सैलाब निकल के निकले वहाँ से मोदी जी के रैली में, उनको आप बिल्कुल देख सकते हो और उनसे यह अनुमान लगा सकते हो कि मोदी जी का प्यार कितना है आम जनताओं के लिए और भाजपा के प्रति कितना प्यार है। करते हैं और वह टारगेट लेकर चलते हैं। हम एक मंडल के अध्यक्ष हैं और मंडल के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सिर्फ मंडल स्तर में काम करते हैं, और जो पार्टी तय करती है वह काम को पूरा करते हैं, और जो भी प्रत्याशी यहाँ भेजेंगे उसको जिताने का हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अभी तक सीमित रह गया है, और आम जनताओं का विकास भंवरा बाटी गिल्ली से नहीं होता है, वह तो संस्कृति है हमारे, हम तो छत्तीसगढ़िया बच्चे, हम तो बचपन से यह खेलते आ रहे हैं। आप यह भंवरा बाटी गिल्ली में उलझा कर छत्तीसगढ़ के आम जनताओं को सिर्फ भयभीत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और विकास देखना है तो आप सबसे अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ, और आप यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार अपराध को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जिससे रोक लगा सकती है।